24 में इस वक्त खबर आ रही है जबलपुर से, जहां 60 वर्षीय वृद्ध की घर के अंदर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। दरअसल हत्या की यह वारदात जबलपुर के मड़ाताल थाना अंतर्गत कृष्णा कॉलोनी की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग विष्णु दयाल सोनी अपनी पत्नी के साथ राधा कृष्ण आश्रम नाम के घर में रहते थे, वहीं उनके बेटे बहू अलग रहते थे। बताया गया कि सोमवार की शाम जब विष्णु दयाल का पुत्र अपने पिता से मिलने के लिए घर पहुंचा तो उसने पिता को मृत हालत में जमीन पर पड़ा हुआ देखा और घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। आनन फानन में बेटे ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में हुई वारदात को बारीकी से जांच करते हुए पूरे मामले को जांच में ले लिया है और हत्या करने वाले अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। राधा कृष्ण करके एक आश्रम टाइप का घर था, वो घर में रहते थे वहाँ पे पति पत्नी दोनों। तो कल शाम को 6 बजे घर से आए थे यहाँ पर, एक घर इनका गायत्री मंदिर पास मनमोहन नगर में है, इनका दलाली का काम करते हैं, इनके बच्चों की दुकान इसका। इसके बाद जब आज नहीं पहुँचे तो इनका बच्चा शाम को 6:30 पे आया देखने, तो उन्होंने बच्चों ने इनको देखा कि मृत हालत में पड़े हैं। पुलिस को सूचना दी, पुलिस गई, प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध होना प्रतीत हो रहा है, कार्रवाई की जाए। अभी तक क्या सामने घाव मिले शरीर में? घाव मिले हैं, वो पीएम के बाद और क्लियर होगा कि कितने घाव हैं। प्रथम दृष्टया तो घाव ज़्यादा दिख रहे हैं, मगर पीएम रिपोर्ट में क्लियर आता है, क्योंकि घटना कल रात को संभवतः हुई है, आज 24 घंटे हो चुके हैं, तो कई बार बॉडी में डिकम्पोजिशन भी हो जाता है। क्या घर में कोई चोरी की भी घटना वारदात हुई है? चोरी जैसी घटना का स्थल प्रतीत हुआ है। अब ये क्या है, ये बाद में पता चलेगा कि हत्या का कारण क्या है, चोरी है या हत्या का कारण कुछ और है। अगर हत्या का कारण कुछ और है तो चोरी की घटना बनाई गई है, और अगर चोरी की घटना तो फिर इधर बुजुर्ग की हत्या के बारे में सीएसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि विष्णु दयाल अपने बेटों से अलग मकान में रहते थे, उनकी पत्नी बेटों के घर गई हुई थी, वहीं जब शाम को बेटा अपने पिता से मिलने गया तो वो घर के अंदर पिता को मृत अवस्था में पाया, वहीं मृतक के बदन में चोट के निशान पाए गए हैं। मामले को जांच में लेते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है।